फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटिव स्वाति पाठक। आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस एंड मॉडल, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है ये जाना था, मार्केट क्या होता है इसको हमने पढ़ा था, इसका ट्रेड ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी हमने जाना था, और मार्केट के फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या हैं उसको भी हमने जाना था। अब हम मार्केट के फंडामेंटल क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। व्हाट गुड एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि जो क्या डिमांड है मार्केट में। मान लीजिए मार्केट में पेंसिल की डिमांड कम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेन, तो हम किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे? पेंसिल का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। When choosing between alternative options, economists use the concept of opportunity cost. जब हम alternative options के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? Opportunity cost को हम प्रेफर करते हैं। मान लीजिए कि आप दो चीज़ें हैं, क्लोथ एंड वीट। आपको क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है as compared to wheat, तो आप किसका फॉरगॉन करेंगे? वीट का फॉरगॉन करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज हायर वैल्यूड अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप टू एंगेज द एक्टिविटी अंडर द कंसिडरेशन। अब क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव होता है उसको हम गिव अप कर देते हैं, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ फॉरगॉन इज कॉल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हम यूज़ करके दूसरे वाले को क्या करते हैं? फॉरगॉन कर दें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मार्केट का, हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे? मान लीजिए कि आपको 5-6 पेन या पेंसिल का प्रोडक्शन करना है, तो हम आप छोटी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे और कुछ ही वर्कर्स का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके मार्केट में बहुत ह्यूज अमाउंट में डिमांड है पेंसिल का, तो आपका जो मशीनरी होगा वो ज़्यादा यूज़ होगा और वर्कर्स भी आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, यानी मोर वर्कर्स एंड मोर मशीन्स, यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। ये क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट होगा। जब मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ट्रेड ऑफ बिटवीन क्या होगा? मोर वर्कर्स एंड मोर मशीन्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट हु विल रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया गया है, वो कौन रिसीव करेगा? मान लीजिए एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, तो उसके पास क्या है? पुअर वाले पर्सन के पास पैसे कम है, रिच के पास ज़्यादा है। मान लीजिए रिच जो पुअर पर्सन है उसका भी मन करता है कि वो एप्पल का फ़ोन ले, तो क्या वो एप्पल का फ़ोन मतलब ले सकता है? वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसका क्या है, जो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को ख़रीद सके। यानी जो एलोकेशन ऑफ मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि इसी वजह से कोई रिच है और कोई पुअर है। तो इसीलिए ये वो एप्पल का मतलब एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज वर्सेस मार्केट इकोनॉमीज। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो मोस्टली गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्लान्स होते हैं इसमें, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें गवर्नमेंट जो होता है वो नीड डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक नीड क्या है, और दे डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कितना उसको कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, ये भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। दे डिटरमाइन द प्राइस, और ये जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस को भी, गुड्स के प्राइसेस को भी डिसाइड करती है। तो उसमें मोस्टली तीन पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट ये है, गवर्नमेंट डिसाइडेड द नीड ऑफ द इकोनॉमी।
एंड दे डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड दे डिसाइड डिटरमाइंस द प्राइस टू. अब नेक्स्ट देखेंगे मार्केट इकोनॉमी क्या होती है. एन इकोनॉमी इन विच द डिसीजंस ऑफ हाउसेस एंड फर्म्स इंटरेक्टिंग इन मार्केट्स डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इसमें क्या होता है कि जो जो मार्केट कंडीशंस होता है उसमें जैसे मान लीजिए प्राइस है एंड कितना प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है तो ये सब कौन चीज़ें डिसाइड करती है. इसमें इसमें हाउस होल्ड्स और फर्म डिसाइड करती है कि प्राइस कितना होगा कितना प्रोड्यूस करना है और कितनी नीड है इकोनॉमी की एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कितना होना चाहिए. ये सब डिसाइड कौन करता है हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेंट्रल फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज इज़ अ कंज्यूमर सॉवरेनिटी. जो सेंट्रल फीचर है मार्केट इकोनॉमीज का वो क्या होता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी. मतलब कंज्यूमर क्या है सर्वे सर्वा होता है इसमें. यानी कंज्यूमर जितना डिमांड करेगा उस हिसाब से उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा और उस हिसाब से वो मतलब उस गुड्स का प्राइस भी होगा. मान लीजिए कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी कितना होगा मतलब उसके हिसाब से उसका प्राइस भी तय किया जाएगा. इसमें क्या दिया है अकर्स बिकॉज फर्म मस्ट बी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मीट द वांट ऑफ द कंज्यूमर. क्योंकि फर्म जो प्रोडक्शन करता है वो क्यों करता है क्योंकि कंज्यूमर की क्या होती है उस चीज़ की डिमांड होती है तो इसलिए वो प्रोडक्शन करता है. तो यहाँ पर सॉवरेन कौन है कंज्यूमर है क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोडक्शन करवाना है. ठीक. नेक्स्ट क्या है इट इज़ देयर फॉर कंज्यूमर्स हु अल्टीमेटली डिसाइड व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड. क्या प्रोड्यूस करना है ये कौन डिसाइड अल्टीमेटली कर रहा है कंज्यूमर ही कर रहा है क्योंकि उसकी डिमांड उस हिसाब से है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मॉडर्न इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए क्या होती है एन इकोनॉमी इन विच मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बायस